दोस्तों आज हम एक जगह आए हैं। पहले वाले वीडियो में मैंने दिखाया था और आज के वीडियो में सारी नामक पहाड़ है और यह पहाड़ एकदम तेलदह गांव में लगा हुआ है। जो मेन सड़क यहां से गुजरती है टोल टैक्स के ठीक बगल में यह एक छोटा सा पहाड़ है और सारी पहाड़ के नाम से बिल्कुल पहचान है। इस पहाड़ पर सबसे ऊपरी चोटी में एक छोटा सा मंदिर है। और यहाँ से साफ साफ पूरा गांव दिखाई देता है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। विद्यालय दिखाई दे रहा, शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय तेलदह, बिल्कुल विद्यालय के सामने यह पहाड़ सटा हुआ है। तो हम लोग चढ़ रहे हैं ऊपर। ऊपर में एक पवित्र स्थान है जो आज हम जा रहे हैं दर्शन के लिए। एकदम पहाड़ के ऊपरी चोटी पर, एकदम पहाड़ के ऊपरी चोटी पर हम लोग आ चुके हैं। बिल्कुल ऊपर हम लोग आ चुके हैं और एक मंदिर दिखाई दे रहा है, झंडा लगा हुआ है। एकदम पहाड़ के ऊपरी चोटी पर अभी हैं, तो एक नज़ारा यहाँ का देख लें। वो मेन सड़क, पूरे आसपास के पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पहाड़ के सबसे ऊपरी चोटी पर अभी हम लोग आ चुके हैं। चलिए चलते हैं मंदिर की ओर। ये रहा मंदिर और मंदिर में प्रवेश करते हैं और इंद्र भगवान की, शिव बाबा भोलेनाथ की प्रतिमा है। यह एक छोटा सा पवित्र स्थान है। जय भोलेनाथ। शंकर भगवान के साथ साथ इंद्र भगवान का पूजा पाठ होता है। आज हम लोग देख रहे हैं पवित्र स्थान, इंद्र भगवान के साथ साथ भोलेनाथ बाबा का मंदिर है। तो आज इनसे हम बात करते हैं, इसी गांव के हैं, तो आप कुछ बताएंगे इस मंदिर के बारे में? बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। तो अभी हम लोग किस स्थान पर हैं? अभी हैं तेलदह सारी पहाड़ पे। तेलदह सारी पहाड़ पर, यानी सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न से लगभग 15 किलोमीटर दूर यह तेलदह गांव है और बिल्कुल मेन सड़क से लगा हुआ है एक छोटा सा पहाड़। तो यहां इंद्र भगवान की प्रतिमा नहीं है, अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, तो यहां सिर्फ शिव बाबा शंकर भोलेनाथ का पूजा पाठ हो रहा है। तो ऐसा क्यों? लोग बताते हैं कि यहाँ इंद्र भगवान की पूजा होती है, तो इंद्र भगवान की प्रतिमा नहीं दिखाई दे रही है। पहले यहाँ मतलब मूर्ति थी उनकी, लेकिन वो पता नहीं किसने भाई यहाँ से ले गए हैं। अच्छा, यानी जो प्रतिमा रखी गई थी, हाँ, उसे यहाँ से उठाकर ले गए। चलिए ठीक है, और कुछ विशेष जानकारी? और यहाँ जैसे कि कब कब पूजा होता है, लोगों की भीड़ कब लगती है? पूजा जैसे अभी जन्माष्टमी का त्यौहार आ रहा है, उसके उपलक्ष में भी मतलब गांव के लोग आते हैं और पूजा उजा करते हैं, नारियल वगैरह तोड़ते हैं। और ऐसे जो लोगों के द्वारा मन्नतें मानते हैं उसके आधार पर पूजा पाठ होता रहता है। भक्ति वगैरह जागरण, साल में एक आध दो बार कीर्तन उतन भी, हरि कीर्तन बैठाया जाता है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मंदिर आप देख रहे हैं, बिल्कुल ऊपरी चोटी है सारी पहाड़, जहाँ पर हम आपको पूरा दर्शन कराए हैं। तो वहाँ का एक बार हम नज़ारा दिखा रहे हैं, पूरा पहाड़ के ऊपर से गांव
दिखाई दे रहा है, ये देखें बिल्कुल इस तरफ गांव दूर दूर दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम चलते हैं इस तरफ, बिल्कुल देखिए इस तरफ आ गए दूसरी तरफ, ये रहा टोल टैक्स। जी हाँ, सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न से बरगवा मार्ग रीवा सीधी की ओर यह टोल टैक्स तेलदह और गडरिया के पास पड़ता है, बिल्कुल मेन सड़क है और मेन सड़क से बिल्कुल यह सारी नामक पहाड़ सटा हुआ है और सबसे ऊपर चोटी पर यह पवित्र स्थान है। मिलते हैं अगले भाग में अगली जगह के साथ। नमस्कार दोस्तों।